हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डीफार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, जिसका चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, तीन चैप्टर इसी वीडियो में पढ़ाएंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए चैप्टर को समझने के लिए और अच्छे तरीके से हिंदी इंग्लिश मिक्स में नोट्स बनाने के लिए। हम आपको इसलिए चैप्टर तीनों एक ही वीडियो में पढ़ा रहे हैं क्योंकि दोस्तों मेरे पास बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जी आप फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स वाले जो चैप्टर हैं उनको जल्दी पढ़ा दीजिए। इसलिए हम इन चैप्टर को जल्दी पढ़ा रहे हैं, तीन चैप्टर को इस वीडियो में पढ़ा देंगे। उसके बाद मेरे चैनल पर चैप्टर नंबर 8, 10, 11, 12 ये अपलोड हैं पहले से ही, और इसके प्रीवियस के भी चैप्टर अपलोड हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बचे हुए चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। बस आपका जो फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स वाला जो सिलेबस है वह दो वीडियो में हम कंप्लीट करा देंगे। अगर दो वीडियो नहीं होती हैं तो तीन वीडियो में आपको कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि हमें केवल समझाना ही होता है। आप लोग अपने नोट्स को तैयार कर लें देख देख कर, क्योंकि बहुत ही आसान नोट्स हैं, अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। आज चैप्टर नंबर 5 क्या है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। यानी ये जो आपका एक्ट बनाया गया था बहुत ही अच्छा एक्ट है, इसको हम बहुत आसान भाषा में बताएंगे। तो मैजिक रेमेडीज जो एक्ट है 1954, तो इसमें क्या बताया गया है, द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 ऑल इंडिया में लागू हुआ था, बट जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। यह एक्ट जो 1 अप्रैल था उस दिन लागू हुआ था, 1955 में लागू हुआ था। यह एक्ट जादू टोना को रोकने के लिए तैयार किया गया था, जिसमें बताया जाता था जादू से टीवी का इलाज हो जाएगा, कैंसर का इलाज हो जाएगा एंड अदर डिसीज़ का इलाज हो जाएगा। दोस्तों थोड़े समय पहले भारत में क्या हो रहा था कि टीबी का इलाज जादू से ठीक होगा, कैंसर को जादू से ठीक कर देंगे, तो इस बातों को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक एक्ट तैयार कर दिया जिसको नाम दिया गया ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। क्योंकि कोई जादू से ठीक नहीं होता है, जादू से टीबी का इलाज थोड़ी ना हो जाएगा। जब तक ड्रग नहीं लेंगे आप, उसकी प्रॉपर मेडिसिन नहीं लेंगे, जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर गया है उसको किल करने वाला आप एंटीडोट नहीं लेंगे तो कहाँ से ठीक हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने एक्ट को बनाया। इस जो एक्ट था इसका ऑब्जेक्ट क्या था, जो चीज़ें लोगों को भटकाने का वर्क कर रही हैं ऐसी चीज़ें बंद होनी चाहिए, मैजिक रेमेडीज़ के एडवर्टाइजमेंट को रोकना, यानी जो मैजिक रेमेडीज़ यानी जादू टोने का जो प्रचार प्रसार हो रहा है उसको रोकने का वर्ग इस एक्ट का था। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशन को बताएंगे। सबसे पहले आपकी डेफिनेशन है ड्रग। ड्रग क्या होती है, ड्रग होती है ऐसा सब्सटेंस जिसका यूज़ डायग्नोसिस में यानी क्योर में, मिटिगेशन यानी पेशेंट को शांत करने में किया जाता है, जो हमारी बॉडी के ऑर्गेनिक फंक्शन को चेंज कर देती हैं, ड्रग कहलाती हैं। तो ये आपके ड्रग की डेफिनेशन हो गई है। उसके बाद मैजिक रेमेडीज़ क्या है, मैजिक रेमेडीज़ है वह तालिस्मंस, मंत्रस, कवच एंड एनी मिराकुलस पावर जो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, क्योर ऑफ एनी डिसीज़ में जिनका यूज़ किया जाता था, जिनको हम कहते हैं मैजिक रेमेडीज़, यानी बहुत से मंत्र हैं, ताबीज हैं, इनका यूज़ मैजिक रेमेडीज़ के रूप में किया जाता था, उसको हम कहते हैं मैजिक रेमेडी। और एडवर्टाइजमेंट आपको तो ही पता ही होगा, किसी भी चीज़ का एडवर्टाइज करना, एडवर्टाइजमेंट करना यानी किसी भी तरह का कोई रिटन नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रेपर और अदर डॉक्यूमेंट एंड एनी अनाउंसमेंट, किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार जिसका यूज एडवर्टाइजमेंट के लिए किया जाता है उसको हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो आपकी इसमें तीन डेफिनेशन थी, पहली थी आपकी ड्रग, दूसरी थी मैजिक रेमेडीज, तीसरी थी एडवर्टाइजमेंट। और उसके बाद एक आपका नेक्स्ट टॉपिक है
एडवर्टाइजमेंट बैंड, यानी कौन कौन सी डिसीज़ के एडवर्टाइजमेंट को बैन किया गया था। तो आपकी ये कमेटी है DTAB, जिसकी फुल फॉर्म होती है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जिसने एक लिस्ट पब्लिक की जिसमें 54 डिसीज़ हैं जिनका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता है कोई भी, क्योंकि वह आपकी बहुत ही ख़तरनाक डिसीज़ है, पेशेंट की जान जा सकती है, तो उसके साथ मजाक थोड़ी ना करना है, उसको आपको प्रॉपर ड्रग देनी है। डिसीज़ को ठीक करने का जादू टोना वाला एडवर्टाइजमेंट, यानी जो भी डिसीज़ को ठीक करने के लिए एडवर्टाइजमेंट हो रहा है जादू टोना वाला, उसको भी बैन कर दिया गया था। फिर उसके बाद परमिशन किसको दी गई है कि आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, बल्कि डिसीज़ की ठीक करने की एडवर्टाइजमेंट, यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर डिसीज़ को ठीक करने का एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, क्योंकि उसके पास ड्रग का डाटा होता है, वह ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल कर चुका होता है, उसके पास गवर्नमेंट के द्वारा अनुमति होती है, क्योंकि दोस्तों जो डॉक्टर होता है उसको उस डिसीज़ की प्रॉपर नॉलेज होती है, और उसके लिए क्या ड्रग है वह उसको नॉलेज होती है। तो जो डॉक्टर होता है यानी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर होता है, वह एडवर्टाइजमेंट कर सकता है कि हाँ इस डिसीज़ को हम ठीक कर देंगे। फिर उसके बाद इसकी दो पेनाल्टीज़ हैं, यानी पेनाल्टीज़ तो बहुत हैं, लेकिन आप इनको शॉर्ट वे में पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक आपको पढ़ लेना है। तो पेनाल्टी क्या है, यदि आप पहली बार पकड़े गए तो 6 मंथ की जेल होगी और फाइन दोनों पड़ सकते हैं, यानी आपको जेल भी हो सकती 6 महीने की और आप पर फाइन भी पड़ सकता है। यदि आप सेकेंड बार पकड़े गए तो आपको 1 साल की जेल होगी और फाइन भी पड़ेगा। तो ये इसकी पेनल्टीज़ हो गई। तो दोस्तों आपका एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, इसको हमने कुछ मिनट्स में कंप्लीट किया है। अब आपको हम बताएंगे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 शुरू होने से पहले दोस्तों आप अपने दोस्तों के पास भी अपनी वीडियो शेयर कर दीजिए और उनको बता दीजिए कि अपने नोट्स तैयार कर लें। हिंदी इंग्लिश मिक्स में नोट्स यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, देव फार्मेसी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 6 का नाम है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। दोस्तों इस एक्ट को क्यों बनाया गया था, अगर कोई ह्यूमन है जैसे हम तुम हैं, अगर हम तुम पर कोई अत्याचार करता है, कोई भी पर्सन अगर अत्याचार करता है तो प्रॉब्लम होती है ना, अगर आपको चोट लगेगी या कोई मारे तो आपके घर वालों को प्रॉब्लम होगी कि मेरे बच्चे को क्यों मारा। तो इसी प्रकार से जब लोग एनिमल पर प्रयोग करते थे, उनको इंजेक्शन देते थे, उन पर बहुत क्रुएल्टी एक्ट करते थे, तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने एक एक्ट तैयार कर दिया जिसका नाम था प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, यानी इसको हिंदी में कहते हैं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। तो इस एक्ट में क्या बताया गया था, इस एक्ट में बताया गया है कि किसी भी एनिमल को ज़्यादा पेन नहीं देना है, यानी दर्द नहीं देना है। यदि कोई एनिमल बीमार है तो उस पर क्लिनिकल ट्रायल नहीं किए जाएंगे, उस पर किसी भी प्रकार का कोई ट्रायल नहीं किया जाएगा अगर कोई भी एनिमल बीमार है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे इस एक्ट के, ये एनिमल के अननेसेसरी पेन को बचाता है, यानी जो एनिमल होता है जो उसको अननेसेसरी जो पेन दिया जा रहा है उसको बचाता है। इसमें गाइडलाइन दी गई हैं कि यदि एनिमल को रखना है तो उसकी केयर कैसे करना है, मेंटेनेंस उसका कैसे करना है और उस पर एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, ये सब इस एक्ट में बताया गया है। जो एक्ट आपका 1960 में बना है इस एक्ट ने सब डिफाइन कर दिया है। कुछ इसमें भी डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन क्या है, एनिमल सबको पता ही होगा एनिमल क्या होते हैं, मींस एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ए ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन बीइंग को छोड़कर और जो भी लिविंग क्रिएचर में आता है उसको हम एनिमल कहते हैं। कैप्टिव एनिमल्स, जो एनिमल घर में पालतू नहीं होते हैं उनको कैप्टिव एनिमल्स कहते हैं, और डोमेस्टिक एनिमल, जो एनिमल घर में पालतू होते हैं उनको हम डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं। फिर उसके बाद
जो इस एक्ट को बनाया गया था इसी में एक कमेटी का निर्माण किया गया था। उस कमेटी का नाम था CPCSEA, जिसकी फुल फॉर्म होती है कमेटी फॉर द पर्पस ऑफ द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल। इस कमेटी की यह फुल फॉर्म हो गई। इसका फंक्शन क्या था दोस्तों? यह कमेटी आपके एक्ट की ही है, एक्ट ने तैयार की है इस कमेटी को। इसके फंक्शन क्या थे? इस कमेटी ने बताया था कि किसी भी एनिमल, जो एनिमल है उस पर एक्सपेरिमेंट एंड ब्रीडिंग करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। पहले आप CPCSEA में रजिस्ट्रेशन कराइए। जिस इंस्टीट्यूट में एक्सपेरिमेंट होगा वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल एनिमल इथिक्स यानी IAEC कमेटी का होना अनिवार्य है। यानी आप अपने इंस्टीट्यूट में एनिमल पर ट्रायल कर रहे हैं तो आपके इंस्टीट्यूट में एक कमेटी होनी चाहिए IAEC यानी इंस्टीट्यूशनल एनिमल इथिक्स कमेटी। फिर उसके बाद इस कमेटी ने क्या बताया है, इंस्टीट्यूट में जो एनिमल हाउस होता है उसकी फैसिलिटी होनी चाहिए, तब उसको अप्रूवल दिया जाएगा कि जो पेशेंट हैं यानी जो आपके एनिमल्स हैं उन पर आप क्लिनिकल ट्रायल कर सकें। एनिमल पर एक्सपेरिमेंट की परमिशन हो यानी आपके पास परमिशन भी होनी चाहिए गवर्नमेंट से कि आप जो एनिमल होते हैं उन पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एनिमल्स के इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट की परमिशन भी गवर्नमेंट के द्वारा होनी चाहिए। जो CPCSEA कमेटी बनाई गई थी उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? यह एक प्रकार की गाइडलाइन है जो बताती है कि एनिमल पर कैसे एक्सपेरिमेंट करना है, उनकी केयर कैसे करना है, यह सब आपकी CPCSEA कमेटी बताती है। फिर उसके बाद जो आपके कॉलेज में एक कमेटी होती है जिसको हमने बताया है प्रीवियस में यानी पीछे बताया है आपको, इंस्टीट्यूशनल एनिमल इथिक्स कमेटी जो कॉलेज की होती है उसमें कितने मेंबर्स होंगे? उसमें 8 मेंबर होंगे जिसमें से एक बायोलॉजिकल यानी साइंटिस्ट होगा, 2 साइंटिस्ट होंगे जो अदर बायोलॉजिकल डिसिप्लिन से होंगे, एक वेटरिनियन जो डॉक्टर होता है यानी जो एनिमल्स वाला डॉक्टर होता है वह होगा, और एक मेंबर आपका होगा साइंटिस्ट इंचार्ज होगा। फिर उसके बाद ए साइंटिस्ट फ्रॉम आउटसाइड द इंस्टीट्यूट, जो अदर इंस्टीट्यूट का साइंटिस्ट है वह भी होगा। उसके बाद ए नॉन साइंटिस्ट सोसाइटी जो होती है आपकी जो सामाजिक सेवा वाला एक मेंबर होता है वह भी इसमें इन्वॉल्व होगा। ए रिप्रेजेंटेटिव और नॉमिनी ऑफ द कमेटी CPCSEA का, जो CPCSEA कमेटी है उसका जो नॉमिनी होता है वह भी आपकी एक मेंबर होगा IAEC कमेटी का। उसके बाद अब आता है ब्रीडिंग एंड स्टॉकिंग ऑफ एनिमल। ओनली रजिस्टर्ड इस्टेब्लाइजमेंट में ही एनिमल की ब्रीडिंग कराई जा सकती है। जो रजिस्टर्ड आपके इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें केवल आपकी एनिमल की ब्रीडिंग कराई जा सकती है। इसके लिए अप्लाई फॉर्म रजिस्ट्रेशन विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी आपने जब अप्लाई किया है आपको अप्रूवल मिल गया इसके आप 60 दिन तक ही उस पर केवल ब्रीडिंग कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करने से पहले रिपोर्ट यानी आपको CPCSEA को भेजनी पड़ेगी जिसका कार्यालय न्यू दिल्ली में है। उसके बाद स्टॉकिंग, आप उसको स्टॉक कैसे कर सकते हैं एनिमल्स को? एनिमल को जहाँ पर लोकेटेड किया जाए वहाँ क्वाइट एटमॉस्फेयर यानी शांत एटमॉस्फेयर होना चाहिए, क्लीन एरिया होना चाहिए, वहाँ पर टेम्परेचर एनिमल के अकॉर्डिंग हो तो आप एनिमल को स्टॉक कर सकते हैं। अगर आपने इस एक्ट की बातों को नहीं माना यानी इस एक्ट की जो भी बातें हैं उनका उल्लंघन किया तो आपको बहुत से पेनल्टीज देनी पड़ सकती हैं। पहला पॉइंट बताया गया इसमें, यदि एनिमल पर क्रूली एक्सपेरिमेंट में पकड़े गए तो फाइन लगभग आपसे 10 रुपये से 50 रुपये तक पड़ सकता है। दूसरा पॉइंट है, यदि फाइन पड़ने के बाद दोबारा 3 साल के अंदर पकड़े गए
तो 25 रुपये से 100 रुपये का फाइन पड़ सकता है और 3 मंथ की जेल भी हो सकती है। फिर जो थर्ड पॉइंट है, पोखा अभियान के तहत यदि इंजेक्शन देकर एनिमल से मिल्क निकालना है, आप निकालते हैं, तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है। जो जो रूल बनाए गए हैं, यदि उनका उल्लंघन होता है तो 200 रुपये का फाइन लग सकता है। तो दोस्तों, जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, इसको भी हमने बहुत आसान तरीके से बताया, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। अब आपको हम बताएंगे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 को शुरू करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें। चैप्टर नंबर 7 है आपका पॉइजंस एक्ट 1919, यानी पॉइजन से रिलेटेड जो एक्ट बनाया गया था वह 1919 में बनाया गया था। इस एक्ट में क्या बताया गया था? पॉइजन एक्ट यानी 3 सितंबर 1919 में लागू हुआ था। यह एक्ट पॉइजन को बेचने के लिए, रोकने के लिए, यानी जो पॉइजन बिक रहा है उसको रोकने के लिए यह एक्ट बनाया गया था। जो पॉइजन की इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है उसको रोकने के लिए पॉइजन एक्ट तैयार किया गया था। उसके बाद जो पॉइजन्स होते हैं वह कौन कौन से होते हैं? लिस्ट ए में जो पॉइजन्स आते हैं वह आपके होते हैं एकोनाइट, आर्सेनिक, एट्रोपिन, बेलाडोना, बारबिट्यूरिक जो एसिड होते हैं वह भी आपके लिस्ट ए में आते हैं, मॉर्फिन, कोका, कोकेन, डिजिटेलिस, लेड एंड अदर सब्सटेंसेस जो होते हैं वह आपके लिस्ट ए में आते हैं। लिस्ट बी में आपके आते हैं आलमंड, इसेंशियल ऑयल्स, ऑल ऑक्सीडेंट ऑफ क्लोरोफॉर्म, फिर आता है मरकरी, उसके बाद ऑक्जेलिक एसिड, सल्फोनोइक एसिड, जिंक क्लोराइड और कार्बोलिक एसिड इसमें आ जाता है। इसी में ही क्लोरोफॉर्म भी आता है। तो लिस्ट ए और बी दो टाइप के आपके पॉइजन्स होते हैं। फिर टाइप ऑफ पॉइजन, पॉइजन कितने टाइप के होते हैं? पॉइजन आपके दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं क्रोनिक पॉइजन, एक होते हैं एक्यूट पॉइजन। क्रोनिक में आता है मरकरी, लेड और उसके बाद एक्यूट पॉइजन में आता है साइनाइड। तो ये आपका इतना इंट्रोडक्शन हो गया पॉइजन से रिलेटेड, जो भी आपका इंट्रोडक्शन है। जो पॉइजन एक्ट बनाया गया था इसका आपका ऑब्जेक्ट क्या था? इसका ऑब्जेक्ट था टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द इम्पोर्ट, यानी जो पॉइजन की इंपोर्ट हो रही है उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको यानी कंट्रोल करने के लिए एक्ट तैयार किया गया था। सेकंड पॉइंट है इसका सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट इंपोर्ट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वह इसकी इंपोर्ट को रेगुलेट करेगी, इसको चेक करेगी। फिर इसमें एक आपकी हेडिंग है द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू रेगुलेट द पोसेसन एंड सेल ऑफ एनी पॉइजन, यानी स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसके पास भी आपके अधिकार होता है कि पॉइजन को रेगुलेट कर सके, उसको कंट्रोल कर सके, उसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को देख सकें। यानी पहला पॉइंट है इसका स्टेट में पॉइजन की सेल को, मैन्युफैक्चरिंग को और स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। सेकेंड पॉइंट है किसी पॉइजन को सेल करने के लिए लाइसेंस का होना अनिवार्य है, जो आपको स्टेट गवर्नमेंट से लेना पड़ता है। थर्ड पॉइंट है पॉइजन को बिना प्रिस्क्रिप्शन के सेल नहीं करना है। और फोर्थ पॉइंट में बताया गया है पॉइजन की जो सेल की जा रही है उसका रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। तो यह आपका जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वह इन बातों को बताती है। उसके बाद अब आपको हम बताएंगे इसकी ऑफेंसेस और पेनल्टीज क्या है। या अगर आप फर्स्ट टाइम पकड़े गए तो आप 3 मंथ की जेल होगी आपको एंड 500 रुपये का जुर्माना भी पड़ सकता है। अगर आप सेकेंड टाइम पकड़े गए तो आपको 6 मंथ की जेल एंड 1,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। तो दोस्तों, आपके चैप्टर ये तो बहुत बड़े हैं, लेकिन हमने आपको
बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ही जल्द हैं और आपको अपना सभी सिलेबस यानी आपको कवर भी करना है, इसलिए हमने बहुत ही शॉर्ट में तीनों चैप्टर को तैयार करा दिया है। अगर आप इतने हमारी वीडियो को पढ़ते हैं तो हम 100% गारंटी लेते हैं दोस्तों, आपके जो भी एग्ज़ाम में टॉपिक्स आएंगे उन सभी टॉपिक्स को आप लिखने में सक्षम होंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो प्लीज़, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद दोस्तों।